when we compare two objects, when we compare two objects, with each other, and both of the objects have one quality common. It is called simile. ठीक है, जब हम दो ऑब्जेक्ट या दो पर्संस के बीच में कंपेयर करते हैं और उनमें कोई वन क्वालिटी कॉमन होती है तो उसे कहते हैं हम सिमिले। मैं आज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि क्लास 11th और 12th में पोएट्रिक पार्ट में पोएम्स में आपसे वन क्वेश्चन जो है वो पोएट्रिक डिवाइसेस पे जरूर पूछा जाता है। पोएट्रिक डिवाइसेस को मैंने बता दिया आपको कि हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से जो इंसान जो है कोई भी पर्सन अच्छी जो ड्रेस पहनता है ताकि हमारा गेटअप अच्छा आ जाए, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी आए, हम अच्छे लगे, उसी प्रकार से जो पोएट है पोएट भी जो है एक ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करता है और ये वर्ड्स जो होते हैं ये काफी इफेक्टिव होते हैं और इससे पोएम जो है और ज्यादा इंप्रेसिव बन जाती है। तो मैंने आपको पहले इसमें बताया सिंपली में कि व्हेन वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स एंड बोथ दी ऑब्जेक्ट्स हैव वन क्वालिटी कॉमन एंड इट इज कॉल्ड सिमिले एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर लाइक एस सो आर यूज्ड। और जो कंपैरिजन के जो वर्ड्स हैं कंपेयर करने के, तुलना करने के लिए, तो वो जो वर्ड्स हैं लाइक एज सो का यूज करते हैं। अब मैं इसमें एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं राणा प्रताप, मैं फ्रॉम हिंदी कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं। राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव और लायन। तो यहां पर हमने लिखा राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज और लायन। तो यह मैं जो कंपेरिजन कर रहा है ये ब्रेव, ओके, एज ब्रेव एज ए लायन। तो राणा प्रताप और लायन के बीच में कंपेरिजन कर रखा है और जो वर्ड्स हैं कंपेरिजन के वर्ड्स हुए ना एज, उनका यूज हुआ है तो ये सिमिली कहलाएगी। ये उसी प्रकार से है जैसे कि हिंदी में हम उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। और आप कहते हो कालिदास वॉस लाइक शेक्सपियर, ठीक है ना। अब ये मैं जो कालिदास है और ये शेक्सपियर है, ये टू डिफरेंट पर्सन है लेकिन उनकी एक क्वालिटी सेम है। वो कौन सी क्वालिटी है कि दोनों ही ड्रामेटिस्ट थे, दोनों ही प्ले वगैरह लिखते थे। ये संस्कृत में प्ले लिखते थे, ये इंग्लिश में प्ले लिखते हैं, ड्रामा जिसे कहते हैं हम। शेक्सपियर और कालिदास, इनमें कौन सी क्वालिटी सेम है कि दे वर बोथ ड्रामेटिस्ट, तो इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, ये क्या होगा, ये सिमिली होगी, एस आई एम आई एल ई सिमिली, ठीक है। और कंपेरिजन में कौन सा यूज होगा, लाइक
ये कंपैरिजन वर्ड है, तो ये क्या यूज होगा है? सिमली, ठीक है। अब आई थिंक कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सिमली किसे कहते हैं। सिमली मींस व्हेन वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स और टू पर्संस हु है वन क्वालिटी कॉमन, तो दैट इज नोन एज सिमली। एंड द वर्ड ऑफ कंपैरिजन आर लाइक एज और सो। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए। वी स्पीक, अब मैं आपकी पोएम जो है, आई एम जस्ट कमिंग टू दी, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दी पोएम फादर टू सन। देखिए फादर टू सन कहता है कि फादर जो बोलता है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वी लाइक स्ट्रेंजर्स। तो ये जो यहां पर ये लाइक वर्ड यूज हुआ है, अगर आप फादर टू सन पोएम पढ़ोगे क्लास 11th की है हॉर्नबिल बुक पे, तो आप पढ़ोगे ये लाइन आएगी, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। तो यहां पर जो फादर और सन है वो दोनों जो है ऐसे स्ट्रेंजर के तौर पे बिहेव करते हैं, ना फादर बच्चे से बोलता है ना बच्चा फादर से बात करने को तैयार है, बिकॉज ऑफ जेनरेशन गैप। ठीक है, फादर टू सन जो पोएम है वो जेनरेशन गैप में ही बेस्ड है, कि यहां पर फादर जो है वो कुछ और चाहते हैं, उनकी कुछ और एक्सपेक्टेशन है और बच्चा उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, तो इसीलिए जो फादर है वो उनसे बातें नहीं करते और बच्चा भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो वो एक्चुअली लाइक बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ऑल्दो दे बोथ एक्चुअली लिव अंडर द सेम रूफ, वो दोनों ही एक घर में रहते हैं, लेकिन दोनों ही जो है ऐसे स्ट्रेंजर के तौर पे जो है बिहेव करते हैं। बच्चा उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं करता और वो भी बच्चे को पहचानने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो उनका बेटा है। तो ये पोएम आपने जरूर पढ़ी होगी और आपको हॉर्नबिल में एक्सप्लेन की गई होगी, तो इसकी लाइन मैंने यहां पर ली है। तो आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम, तो आप क्या कहोगे? इट इज सिमली। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात दें, मेटाफर, मेटाफर। अब आप इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो आप, मैं नेक्स्ट जो है फिर मैं नेक्स्ट बारे बता रहा हूं कि मुझे भी रेज करना पड़ेगा ये मेटाफर। तो देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्संस आर कंपेयर्ड, जब दो चीजों की और दो लोगों की, अब लोगों का मतलब मेरा कहना लड़कियां भी होती हैं, आदमी औरत कोई भी होता है, जब टू पर्संस की ये टू ऑब्जेक्ट्स थी जिनमें की दे हैव द सेम वन क्वालिटी सेम, जब उनकी एक क्वालिटी सेम होती है, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि मेटाफर में जो कंपैरिजन, जो वर्ड ऑफ कंपैरिजंस आर नॉट यूज्ड, इसमें जो तुलना के जो शब्द हैं, कंपैरिजन के जो वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं किया जाता, और लेकिन जो सिमिली है उसमें कंपैरिजन के वर्ड्स को जो है कंपैरिजन के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे इसमें लाइक कर दिया, ठीक है ना, एज कर दिया, बाकी लेकिन अब ये मेटाफर क्या होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर, टू ऑब्जेक्ट्स और पर्संस, टू ऑब्जेक्ट्स और पर्संस
आर कंपेयर विद ईच अदर एंड द वर्ड ऑफ कंपैरिजन इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, इट इज कॉल्ड मेटाफर। तो देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें की थोड़ी इनको ऐड कर दीजिए, वेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर हैविंग वन क्वालिटी सेम बट द वर्ड ऑफ द कंपेरिजन आर नॉट यूज, इट इज कॉल्ड मेटाफर। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेरिजन की जाती है और कंपेरिजन वर्ड यूज नहीं किया जाता, एक ऑब्जेक्ट को दूसरा मान लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कि कैमल जो है डेजर्ट का शिप है। तो यहां पर हमने देखा कैमल और शिप को एक मान लिया है, लाइक और एज का यूज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया, मेटाफर। तो आप ये, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आपकी बुक से कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। देखिए, ये आपकी जो पोयम थी लेबनम टॉप, अमलतास का पेड़, लेबनम टॉप, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मेटाफर के लिए। इट इज द इंजन ऑफ हर लाइफ, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो ये जो लेबनम टॉप से मैंने ये पोएम की जो कोटेशन कोट की है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो लेबनम जो टॉप जो पेड़ है, तो वो उसे क्या मान लिया है, इंजन, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। क्योंकि बर्ड आती है, गोल्डफिंच जो बर्ड है वो लेबनम टॉप पेड़ के ऊपर बैठती है और इट स्टार्ट चर्पिंग, और वो चर्पिंग जो है चहचहाना शुरू कर देती है, इट स्टार्ट चर्पिंग, कौन, गोल्डफिंच बर्ड। और इन दिस वे देयर इज अ साउंड, देयर इज अ नॉइज इन द ट्री, ट्री में नॉइज शुरू हो जाता है, शोर, कि उसकी जो अपनी फैमिली होती है उसमें एग्स होते हैं, उसके अपने बच्चे होते हैं, बेबीज होती हैं, जब वो फूड लाती है ना अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे जो हैं माँ का वेलकम करते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो दे स्टार्ट चर्पिंग, वो चहचहाते हैं। तो देर ये यू नो, अभी जो चहचहाना है यहाँ उसे इंजन से कंपेयर कर रखा है उन बर्ड का, कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसकी फैमिली का इंजन है, गोल्डफिंच का, क्लास 11 की लेबनम टॉप पोएम में देखिएगा। तो ये वो लाइन वहां से कोट कर रखी है मैंने कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो यहां पर पेड़ को, लेबनम टॉप को, इट को, लेबनम टॉप को इंजन से कंपेयर कर दिया, इंजन से, क्यों, क्योंकि इंजन जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, देर साउंड होता है, आवाज होती है। उसी प्रकार से जब ये जो बर्ड है गोल्डफिंच, जब ये पेड़ में आती है और बैठती है और इसके जो बच्चे होते हैं, कि मदर बर्ड एक्चुअली फूल आती है, गोल्डफिंच फूल आती है, तो दे स्टार्ट चर्पिंग, और वो चहचहाते हैं, उसको वेलकम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से द बर्ड्स नॉइस, द बर्ड चर्पिंग इज बीइंग कंपेयर्ड विद द इंजन, इंजन से उसे कंपेयर किया गया है।
तो आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड, इसे आप नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर देता हूं। थर्ड पर्सोनिफिकेशन, ये तो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच थी, फर्स्ट थी सिमिली, थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, 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 देखिए व्हेन ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह से बिहेव करता है तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, तो द रेन स्पीक्स, आपने वॉइस ऑफ द रेन आपने पढ़ा पोएम, तो वॉइस ऑफ द रेन में द रेन एक्चुअली गिविंग द आंसर ऑफ द पोएट, तो पोएट को वो जवाब देती है रेन। तो यहां पर रेन इज बीइंग स्पीकिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये एक इंसान की तरह से बोल रही है पोएट से, तो ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है। तो पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार, इन हिंदी इट इज मानवीकरण। व्हेन व्हेन अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बिहेव्स बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ओके, तो व्हेन अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब नाउ एक एग्जांपल देता हूं मैं, हु आर दाउ, हु आर दाउ, हु आर दाउ, रेन रिप्लाइज, रेन रिप्लाइज, आई एम द पोएम, पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। तो देखिए जरा, तो रेन, देखिए ये जो लाइन मैंने कोट की है ये आपकी बुक हॉर्नबिल द वॉइस ऑफ द रेन से, तो इन दिस पोएम, इन दिस पोएम पोएट वॉल्ट विटमैन आस्क्ड द पोएम, आस्क्ड द रेन, सॉरी आस्क्ड द रेन कि हु इज सी, वो कौन है, तो देन रेन रिप्लाइज, रेन कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं अर्थ की पोएम हूं। अब देखिए जरा यहां पर, बिकॉज रेन इज ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आप ये जानते हो कि रेन क्या है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, क्या वो इंसान की तरह बात कर सकता है, इट कैन नेवर टॉक लाइक ए ह्यूमन बीइंग, बट इन दिस पोएम इट इज टॉकिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग, तो ये क्या हो गया, इसको हम यहां पर मानेंगे पर्सोनिफिकेशन। आई थिंक यू नो इट इज क्लियर, पर्सोनिफिकेशन मीन्स कि व्हेन ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू, और एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको जो है, इसका एक एग्जाम्पल है, Then she turns to the liars, the cattle and moon.
then she turns to the liars, turns to the liars. The candle and the moon, candle and the moon. देखिए ये जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, ये क्लास टेंथ की पोयम है मिरर। अभी लास्ट ईयर तो घर आपकी बीआई लग गई थी, पर बिफोर दैट इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेटिव इंग्लिश की एक बुक थी, मैंने ये एग्जाम्पल वहां से लिया है। इसमें ये है कि एक महिला है, लेडी है, दे जो वुमेन, वो जो है वो चाहती कि सी शुड लुक ब्यूटीफुल। तो अब वो पूरी हो चुकी है, शी इज नाउ ओल्ड, ठीक है, और वो चाहती कि मैं अभी भी मैं ब्यूटीफुल लगूं। और इसीलिए जब वो चेहरा अपना मिरर में देखती है, वो पोएम का नाम मिरर है, मिरर पोएम से, तो मिरर में वो देखती है, तो वो उसे लगता है कि भाई मेरी तो बचपन तो बहुत ही, मैं तो आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मेरे चेहरे तो बहुत अगली हो गया है, रिंकल्स आ गई है, तो उसको बड़ा दुख होता है। शी एक्चुअली बिकम्स वेरी सैड, तो शी टर्न्स टू द लायर्स, तो लायर्स की ओर मुड़ जाती है। लायर्स द कैंडल एंड द मून, देखो मून और कैंडल को, तो कहती है लाइट में अगर मैं अपनी चेहरे को देखूंगी तो मेरा चेहरा साफ दिखाई देगा, तो वो कैंडल और मून की लाइट में अपने चेहरे को जो है आईने में देखने की कोशिश करती है, मिरर में देखती है। तो यहां पर कैंडल और मून को लायर कहता है, लायर माने झूठे भाई, कि उनकी लाइट डिम होती है ना, इनको अंडर कर दीजिएगा अगर एंटर आ रहे थे ना, क्यों एंटर कर दीजिएगा कि फिर कोई नहीं मिलेगा, एंटर नहीं है। अब मैंने लिखा भी था कि 10 बजे आना, अब ये लोग आते हैं नहीं, बच्चे हुए ना ये, मैंने शार्प लिखा था चैनल पर, मैंने टाइम फाइन से किया, अब फिर बीच में आ जाते हैं। तो then she turns to the liars, तो अब वो जब वो बहुत ही उसकी जो मतलब कि अगली हो चुकी थी, रिंकल हो चुकी थी बॉडी, और वो चाहते थे कि मैं ब्यूटीफुल लगू, देखो ऐसा तो चेंजिंग इज द लॉ ऑफ द नेचर, चेंजिंग तो लॉ ऑफ नेचर नहीं, लॉ ऑफ द नेचर नहीं, ये तो कुदरत का कानून है। तो बट शी वॉन्ट टू सी हर सेल्फ एज ब्यूटीफुल एज शी वॉज इन यंग एज, तो जो आईने में चेहरा दिखती है तो वो देखती कि मैं तो ब्यूटीफुल लग ही नहीं, तो देयरफॉर शी एक्चुअली टर्न्स टू द कैंडल एंड द मून, तो वो सोचती कि कैंडल और मून की लाइट में अपने चेहरे को देखूंगी। अब मून और कैंडल की लाइट क्योंकि फेड लाइट होती है, ज्यादा वो अच्छी शाइनिंग नहीं होती है उसमें, तो उसमें उसकी पूरी जो जो कमियां हैं चेहरे की वो छुप जाएंगी, इसलिए वो कैंडल और मून की लाइट में अपने आप को देखती है। देखो ये तो एक बात ही उन्होंने बताई है, लेकिन यहां पर जिस तरह से लायर वर्ड यूज कर दिया और कैंडल और मून के लिए, तो उसे पोएट ने थोड़ा जो है एक फिगर ऑफ स्पीच यूज कर दी, पर्सोनिफिकेशन, यही पोएम की ब्यूटी है। तो इस तरीके से ये जो है एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन का हो गया। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एपोस्ट्रॉफी, फोर्थ एग्जांपल एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। तो ये एपोस्ट्रॉफी क्या होती है, देखो मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे ग्रामर की बात नहीं कर रहा है, एपोस्ट्रॉफी ग्रामर में भी है, वो जो है इसके लिए ये जो एक ऊपर लगता है ना रवीज बुक, राधास नोटबुक, राधास पेन, वो एक अलग चीज है, वो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव केस में यूज होता है, लेकिन यहां पर ये एपोस्ट्रॉफी बात नहीं कर रहा मैं। एपोस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार, वेन ए वेन और डेड और ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बीइंग एड्रेस्ड, तो इट इज कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो वेन इट इज एन एड्रेस टू द डेड और ए लिविंग पर्सन, लिविंग थिंग, डेड as if living, it is an address, it is an
witness to a dead, to the dead as a living. ठीक है, जब किसी डेड जो ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसे लिविंग थे जिंदा मानते हुए जब एक एड्रेस किया जाता है तो उसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। अब इसको तो लिविंग और ये टू दी अब्सेंट भी हो सकता है, कोई चीज अगर नहीं है हम उसे एड्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसका यूज करें टू दी एब्सेंट। और देन एज ए परसेंट, जैसे कि वो परसेंट हो, एज ए परसेंट, एज ए परसेंट एंड टू एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज इफ दे वेयर पर्सन, तो इस तरीके से मतलब कि इट इज एन एड्रेस टू दी डेड एज अ लिविंग, कोई डेड ऑब्जेक्ट है उसको एज ए लिविंग हो एज ए लिविंग तौर पर हम एड्रेस करते हैं, टू एब्सेंट एज ए परसेंट, कोई ऑब्सेंट पर्सन है उसको हम ऐसे लिविंग के तौर पर, जैसे कि वो उसके तौर पर हम वो करते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने एंड हु आर दाउ, आई सेड टू दिस शॉर्ट फॉलिंग नेम एंड हु आर दाउ, एंड हु आर दाउ, देखिए ये आपकी द वॉइस ऑफ द रेन से मैं कोट कर रहा हूं, एंड हु आर दाउ, एंड हु आर दाउ, अब आप क्या हुए, आप ऐसे पर्सोनिफिकेशन कर रहे, ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ये एपोस्ट्रॉफी है, एंड हु आर दाउ the soft falling raindrops। तो यहां पर क्या है कि रेन को जो है ना वो जो तो है पूछ रहा है कि who are them, एड्रेस कर रहा है, संबोधन कर रहा है, तो इसलिए ये एक एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है। ओके ओके हो गया, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में मैं क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ कि देखो ये तो एक जरूरी है कि क्लास 11th में भी है और 12th में भी है, ठीक है, और तो और ये आती भी है 2-3 मार्क्स की हमेशा, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाए आपका। अब ये जो मैं आपको बता रहा था एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी क्या है, इट इज एन एड्रेस टू द डेड एज अ लिविंग या टू एब्सेंट एज ए परसेंट, जब किसी एनिमल को, जब किसी एब्सेंट को, जब किसी डेड को एज ए लिविंग के तौर पे, एज ए परसेंट के तौर पे, एज ए ह्यूमन के तौर पे तो उसे एड्रेस किया जाता है, संबोधित, तो उसे कहते हैं जो है एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल आपकी ये जो रेन पोएम है उसमें मैंने कोट किया। तो ये बच्चों ये मुझे और आपको मैं कोट करता हूं, हाइपरबली, देखो हाइपरबली, 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 हाइपरबली जो फिगर ऑफ स्पीच है मतलब किसी को एग्जेजरेट करके बताना, व्हेन वी एग्जेजरेट समथिंग, जब किसी चीज को बहुत एग्जेज बड़ा चढ़ा के बता देना तो उसे कहते हैं हाइपरबली, हिंदी में से अतिशोक्ति अलंकार, कि बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, शी शेड ओशन ऑफ टीयर्स, उसने मतलब समुद्र बहा दिए आंसुओं से, आंसुओं के, तो वो क्या है हाइपरबली है, हाइपरबली याद रखना, हाइपरबली इज एन ऑब्वियस एग्जेजरेशन, इज एन इट इज एन एग्जेजरेशन, तो बड़ा चढ़ा के बोलने को इंग्लिश में एग्जेजरेशन कहते हैं, याद रखना जरा एग्जेजरेशन, इसकी डेफिनेशन है इसे करना एग्जेजरेशन, 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 इट इज एन ऑब्वियस एग्जेजरेशन, इट इज एन ऑब्वियस ऑब्वियस एग्जेजरेशन, ये बहुत बड़ा चला जब कोई बात नहीं जाती है तो उसे हाइपरबली कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, तो जैसे कि हिज हैंड्स डैंगल अ माइल आउट ऑफ हिज स्लीव्स, हिज हैंड्स डैंगल अ माइल
शी शेड, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, शी शेड टीयर्स ऑफ ओशन, टीयर्स ऑफ ओशन, ठीक है ना, कि उसने जो है आंसुओं के समुद्र बहा दिए, तो इस तरीके से ये हो गया। नाउ अब मैं सिक्स पे आ रहा हूं, सिक्स है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन ए डबल एल आई एलिट्रेशन टी आर टी आई वन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन्स होता है इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए लेटर, इट इज द रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ अ लेटर, रिपीटेशन ऑफ अ लेटर और ए साउंड, और अ साउंड, साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ए, इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए लेटर और ए साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ ए सक्सेशन ऑफ वर्ड्स, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सक्सेशन ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन ऑफ वो वर्ड्स, वर्ड्स देखिए एलिट्रेशन मीन्स होता है कि अनुप्रास अलंकार, वेल एक्चुअली क्या होता है कि जब एक वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है अगर वो बार बार रिपीट हो जाए, उसी स्टेप का वर्ड बार बार रिपीट हो जाए तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं कि साइलेंस साइलेंस, देखिए ये फोटोग्राफ कौन सा मैंने लिया है, ये जो लाइन है इट साइलेंस साइलेंसेस, इट साइलेंस साइलेंसेस, इट साइलेंस साइलेंस, इट साइलेंट साइलेंट साइलेंसेस, इट साइलेंस साइलेंसेस, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये जो एस वर्ड है, एस और एस, ये दोनों वर्ड क्या है, ये एलिट्रेशन के एग्जांपल है, इट साइलेंस साइलेंसेस। आपको आपने फोटो जो पोयम है फोटोग्राफ उसमें से ये लाइन कोट की गई है, और इस पोयम में ये बताया गया है कि जो पोएटेस है सली टॉम्पसन, वो अपनी मदर को रिमेंबर कर रही है, उनकी फोटोग्राफ को देख रही है, और उनकी फोटोग्राफ को देखकर उन्हें अपनी मदर की याद आ रही है, और क्योंकि फोटोग्राफ बिल्कुल खामोश है, चुप है, कोई बात नहीं कर रहा फोटोग्राफ, तो इट इज नाउ तो देर को एट लास्ट द पोएटेस सेज दैट कि साइलेंस साइलेंसेस। तो ये जो इस तरीके से चारों तरफ चुप्पी है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, तो दैट इज साइलेंस साइलेंसेस, एस एस वर्ड इज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, सक्सेसिव मींस के बाद आया वो वर्ड है, ये वर्ड आया उसके बाद ये आया, सक्सेसिव, ये सक्सेसिव हुआ, और फिर क्या हुआ, एस और एस साउंड रिपीट हो रहा है, या एस और एस लेटर, ये लेटर है ना, लेटर माने अक्षर, ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एलिट्रेशन हो गया। तो नाउ आई होप सो कि नाउ टाइम इज ओवर स्टूडेंट्स, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस देम द मैटर, अनदर मैटर फ्रॉम द पोएटिक डिवाइस, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।